नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अच्छी नींद लाने के 7 तरीकों के बारे में। नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अच्छी नींद आने पर ही दूसरे दिन हम तरोताज़ा महसूस करते हैं और हमारे काम में मन लगता है। यदि नींद अच्छी नहीं आए तो दूसरे दिन थकान सा अनुभव होता है, पेट खराब हो जाता है तथा अन्य तकलीफें भी हो सकती हैं। तो हर व्यक्ति में नींद का जो समय है वो अलग अलग होता है। किसी में 6 घंटे नींद पर्याप्त होता है, किसी व्यक्ति को 8 घंटे की नींद पर्याप्त होता है, कोई 6 घंटे सोने के बाद तरोताज़ा महसूस करता है, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे सोने के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। तो उस व्यक्ति के लिए उतना घंटे की नींद आवश्यक होती है। नींद नहीं आना, जिसको मेडिकल भाषा में इंसोमेनिया बोलते हैं, हर व्यक्ति में यह तकलीफ अलग अलग होती है। किसी को नींद आती ही नहीं, किसी को यदि नींद आती है तो बीच में खुल जाती है, किसी को रुक रुक कर नींद आती है शॉर्ट्स में। हेल्दी नींद वह है जिसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो, किसी प्रकार का स्वप्न ना आए, उसे अच्छी नींद मानी जाती है। तो आइए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे आसान सिंपल तरीकों के बारे में जिससे आप अच्छी नींद पा सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला है, जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में पर्याप्त डार्कनेस या अंधेरा रहना चाहिए, किसी प्रकार की लाइट नहीं होनी चाहिए सोते समय। उस रूम का जो टेम्परेचर है वह सामान्य होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक गर्म न ही बहुत अधिक ठंडा। जो आपका सोने का रूम है वह शांत होना चाहिए, वहाँ किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आना चाहिए। जो आपका बेड है वह बहुत अधिक गद्देदार नहीं होना चाहिए, ना बहुत अधिक कड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपके बेड शीट्स हैं वो मुलायम कॉटन के होने चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह है फूड, यानी कि खाना। रात का जो हमारा खाना है वह अच्छी नींद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिन में आप फुल खाएं, जितना आपका डोज है उतना खाएं, जो भी खाना है वो खाएं, लेकिन रात में आप हल्का भोजन कीजिए, हल्का एवं सादा भोजन। रात का जो आपका भोजन है वह बहुत ज़्यादा ऑयली, मसालेदार, बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होना चाहिए। रात का जो आपका भोजन है वो आसानी से पचने वाला एवं बहुत ही सादा भोजन होना चाहिए। और रात का जो भोजन है उसे आप फुल ना खाएं, हल्का भोजन खाएं, पेट आधा भरा हो, जिससे नींद अच्छी आती है। ऐसा भी ना हो कि आप खाना ही ना खाएं। आप यदि खाना ही नहीं खाएंगे या बहुत ही कम खाएंगे तो फिर आपको 1 घंटे बाद भूख लगेगी और इससे आपकी नींद प्रभावित होगी। खाने से ज़्यादा आवश्यक है पानी। पानी आप रात में सोते समय कम पीजिए, खाना खाने के बाद केवल थोड़ा सा पानी पीजिए, ताकि रात में पेशाब कम लगे और आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन शाम को 6-7 बजे के बाद में न करें। यह चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है और तंबाकू में जो निकोटीन होता है वह दिमाग को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमें नींद नहीं आती। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह है एक्सरसाइज। डेली आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आपका शरीर और मस्तिष्क रात को थकान महसूस करे और आपको नींद अच्छी आए। एक्सरसाइज करने का जो समय है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप रात में या शाम को एक्सरसाइज ना करें। रात को यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे कि नींद प्रभावित होती है।
चौथा जो तरीका है उसमें आप कुछ ऐसा एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम करिए सोने से पहले जिससे आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स महसूस करें। जैसे कि कोई अच्छी सी किताब आप पढ़ें, कोई अच्छा सा नावल पढ़ें जिससे आपका दिमाग रिलैक्स महसूस करे और आपको नींद अच्छी आए, या कोई अच्छा धीमा संगीत, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए। आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो हॉरर या सस्पेंस वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आपको अच्छी से नींद नहीं आएगी। सोते समय इंटरनेट का उपयोग बिल्कुल ना करें। इंटरनेट में आप यदि सोने से पहले ब्राउजिंग करते हैं तो उससे भी हमारी नींद प्रभावित होती है। दूसरी चीज़, आप सोने के लिए बेड में तभी जाएं जब आप स्लीपी महसूस कर रहे हैं, जब आपको नींद आ रही है। पहले से एक घंटा दो घंटा पहले से बेड में जाकर न लेटें। पहले से जाके आप बेड में लेट गए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद एक ऐसी चीज़ है जो प्रयास करने से नहीं आती, अपने आप आती है। यदि आप सोने के लिए प्रयास करेंगे तो जितना आप प्रयास करेंगे इतना ही नींद आपसे दूर होती जाएगी। आप लेटे लेटे बार बार घड़ी देख रहे हैं कि मुझे कितना देर हो गया है, नींद नहीं आ रही है, मेरे इतना टाइम वेस्ट हो गया है, ऐसा आप सोचते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वह है आपका रेगुलर स्लीपिंग साइकिल। सोने का एक स्लीप साइकिल होता है, तो उस साइकिल में ही आप सोएं। जैसे कि आप डेली 8 बजे सो रहे हैं और 6 बजे उठ रहे हैं, या आप डेली 10 बजे सो रहे हैं 8 बजे उठ रहे हैं, तो आप उसी साइकिल को मेंटेन करिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन 8 बजे, दिन 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं, तो इससे हमारा जो स्लीपिंग टाइम है, जो साइकिल है, वो डिस्टर्ब होता है और इससे भी नींद प्रभावित होती है। अगला जो लास्ट और महत्वपूर्ण बात है जिसको हमने 7वें नंबर में रखा है वह है प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट डे। कई लोग सोने से पहले नेक्स्ट दिन का प्लानिंग करते रहते हैं, जैसे किसी को अगले दिन इंटरव्यू में जाना है, या किसी का अगले दिन एग्ज़ाम है, या कॉलेज में कोई फंक्शन है, या शादी का फंक्शन है, या कहीं बाहर घूमने जाना है, तो अगले दिन का वो सोए सोए प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कल मुझको ऐसा करना है, कल मुझको ऐसा करना है, तो इस कारण से भी नींद नहीं आती। सोने से पहले दिमाग एकदम रिलैक्स होना चाहिए, किसी प्रकार का थॉट मन में नहीं आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से नींद आएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।